Friends, in the last video you have learned about product as a part of 4 P's of marketing mix. Now in this video you are going to study about the second P, that is price. Now what is price? Price refers to amount of money paid by a buyer in consideration of the purchase of a product or a service. जब भी कोई बायर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करता है, हायर करता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन पे करता है और उसे ही हम कहते हैं प्राइस। प्राइस इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक फेयर, जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसीज अपने चार्जेस को फेयर कहती हैं, फीस स्कूल कॉलेजेस अपने एजुकेशन चार्जेस को फीस कहते हैं, प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी चार्ज को प्रीमियम कहती है, कमीशन एजेंट्स अपने सर्विस चार्ज को कमीशन कहते हैं, इसी तरह एम्प्लॉयज अपने सर्विस चार्ज को सैलरी या वेजेस कहते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन ऑफ अ मार्केटिंग फर्म। कोई भी प्रोडक्ट बिना प्राइस डिसाइड किए मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकता। प्राइस के बेसिस पर ही किसी भी फर्म का रेवेन्यू या प्रॉफिट डिसाइड होता है। प्राइस लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। यदि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कम रखेंगे तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। इसी तरह जब टफ कंपटीशन होती है तब भी प्राइस बहुत ज़्यादा ग्रेट रोल पे करता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर मिले। So, determination of price is very important for a firm. Now we learn what are the factors which affect price determination of a product or a service. The first factor is product cost. Product cost includes total cost of producing, distributing and selling. प्रोडक्ट कॉस्ट में पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेल करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सभी इंक्लूड होते हैं। नाउ दिस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स 3 types ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? Fixed cost is the cost which does not change with the change in production. हम production कम करें या ज़्यादा करें, हमारी fixed cost same रहती है, constant रहती है, change नहीं होती। Means it does not vary with the production. For example, rent of a building, insurance premium, salary of permanent employees. यदि आपने factory बंद करके भी रखी है या आप मैक्सिमम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं तब भी ये एक्सपेंसेस सेम रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। द सेकेंड इज वेरिएबल कॉस्ट, इट वेरीज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ये एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा लगेंगे, यदि आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपको कम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, वेजेस, पावर एंड फ्यूल एक्सेट्रा। The third is semi-variable cost. It is the combination of fixed cost and variable cost. It varies with the production but not in direct proportion. For example, salary plus commission on sales. जैसे कोई भी सेल्समैन होता है या मैनेजर होता है तो उसका कुछ रेम्यूनरेशन फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होती है, लेकिन वह जितनी सेल्स करेगा उसके ऊपर कुछ परसेंटेज उसे कमीशन के फॉर्म में मिलेगा। कमीशन इज वेरिएबल इन नेचर, सो सेमी वेरिएबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। यूटिलिटी और डिमांड से रिलेटेड चैप्टर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, उसी बेसिस को लेकर यह फैक्टर है। प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस। जो भी हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उतना तो हमें कम से कम चार्ज करना ही होगा, अदरवाइज फर्म लॉस में चली जाएगी। द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड सेट द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस चाहे जो भी हो लेकिन यदि उसकी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर्स इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो हम प्राइस ज़्यादा
चार्ज कर सकते हैं. मीन्स इट सेट द अपर लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस. लॉ ऑफ डिमांड. लोअर इज द प्राइस, हायर इज द डिमांड. जनरली वी हैव लर्नड दिस लॉ ऑल्सो. नाउ इंटेंसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद द चेंज इन प्राइस. मान लीजिए प्राइस 10% डिक्रीज हुए और डिमांड 10% इंक्रीज हुई, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा. इसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे. लेकिन यदि हमारी प्राइस 10% डिक्रीज हुए और डिमांड 5% ही इंक्रीज हुई, तो हमारा आंसर 1 से कम होगा, 0.5 होगा. इन दैट केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1, और इसे हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड. ऐसी इन इलास्टिक डिमांड हमें नेसेसिटी गुड्स में देखने के लिए मिलती है, जैसे फूड ग्रेन्स, मेडिसिन. यदि प्राइस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, तब भी डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती. सो ऐसे गुड्स के केस में एक सेलर हाई प्राइस चार्ज कर सकता है. नाउ इलास्टिक डिमांड. मान लीजिए प्राइस 10% डिक्रीज हुए और डिमांड 20% इंक्रीज हुई. इसका मतलब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 2. मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. इसे हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड. ऐसी डिमांड हमें लग्जरी, कंफर्ट, ड्यूरेबल गुड्स में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर हम अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, हम किसी दूसरी कंपनी के ब्रांड को परचेज कर सकते हैं. सो ऐसे प्रोडक्ट्स के केस में एक सेलर को कॉम्पिटिटिव प्राइस चार्ज करने चाहिए. नाउ द थर्ड फैक्टर इज एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. एक सेलर को मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, रिस्पॉन्सिवनेस को कंसिडर करना चाहिए. इफ देर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट, देन यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस. इफ देर इज सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस, देन कंसिडर द प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द फैक्टर्स. Now the fourth factor is government and legal regulations. Government can regulate the price of essential products to protect public interest against unfair practices. Government जितने भी essential necessary products और services होती है, उनका price decide कर सकती है, regulate कर सकती है, ताकि seller unfair trade practices ना करें. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, फूड ग्रेन्स, जिसका मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है. वेजेस के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बनाया है, जिसके अनुसार लेबर्स की मिनिमम वेजेस डिसाइड हो सकती है. नाउ द फिफ्थ इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स. जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म. जितनी भी फर्म्स होती है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है to maximize the profit. If the firm wants to maximize profit in the short run, they charge maximum price of the product. जैसे IT sector की companies है, जो company computer, laptop, mobile phone बनाती है, जहाँ पे बहुत जल्दी technology change होती है, new features add हो जाते हैं, ऐसी companies, ऐसे sellers अपने product के लिए maximum price decide करते हैं, क्योंकि उन्हें शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. इन द लॉन्ग रन फर्म्स चार्ज लो प्राइस टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर एंड इंक्रीज सेल. लेकिन जो फर्म लॉन्ग पीरियड के लिए प्रैक्टिस करना चाहती है, अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्ग पीरियड के लिए सेल करना चाहती है, यानी जो फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिलोंग करती है, वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लो प्राइस चार्ज करती है, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सके, उनका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो सके, और इसी के द्वारा वे प्रॉफिट अर्न कर पाए. नाउ देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो, दैट इज ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप.
यदि इस फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि वह मार्केट का लीडर बनना चाहता है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहता है, तो वह अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लो प्राइस चार्ज करता है, जैसे रिलायंस जियो ने किया, जिसने सबसे पहले 4G सर्विसेज सबसे रिजनेबल प्राइसेस में प्रोवाइड की। द सेकेंड इज सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो न्यू फर्म्स होती है उनके लिए मार्केट में एग्जिस्ट करना, सर्वाइव करना ही सबसे पहले मुश्किल होता है। इसके अलावा जिस फर्म के कॉम्पिटिटर ने न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की, उनके लिए भी एग्जिस्ट करने में मुश्किलें आ सकती हैं। सो ऐसी फर्म्स को अपने प्रोडक्ट के लिए लो प्राइस चार्ज करना चाहिए या फिर अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट्स ऑफर करने चाहिए। अदर प्रमोशनल टूल्स जैसे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, लकी ऑफर्स करने चाहिए। थर्ड इज अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हाईएस्ट क्वालिटी प्रूफ करना चाहती है, उसमें क्वालिटी लीडरशिप अटेन करना चाहती है, वे अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज करती है ताकि उनका हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर हो। इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी कवर अप हो। नाउ द लास्ट फैक्टर इज मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग अफेक्ट्स द प्राइस फिक्सेशन। मार्केटिंग में बहुत से एलिमेंट्स हैं जो हमारे मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, हमारे प्राइस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारे इंटरमीडियरीज यदि लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्राइस ज़्यादा होंगे। क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड, यदि हमारे सेल्समैन बहुत क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, फ्रिक्वेंट इन स्पीकिंग लैंग्वेज है, तो हमारे प्राइस ज़्यादा होंगे। क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, यदि हमारी एडवर्टीजमेंट फिल्म बहुत अच्छी क्वालिटी की है और हम बार बार यह एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं तो हमारे प्राइस ज़्यादा होंगे। सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स, जैसे हम डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इन सभी में बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट प्राइस भी ज़्यादा होगा। टाइप ऑफ पैकेजिंग, जैसे कोई भी सॉस है यदि वो ग्लास बॉटल में है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, यदि वही प्रोडक्ट पाउच में है तो उसका प्राइस कम होगा। इट मीन्स द टाइप ऑफ पैकेजिंग अफेक्ट्स आवर प्राइस। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, यदि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में यूनिक है तो उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। क्रेडिट फैसिलिटी, यदि हम अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। कस्टमर सर्विस प्रोवाइडेड, यदि हम कस्टमर को एक स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी ग्रीवेंसेस को इमीडिएटली दूर करते हैं, तो हमारे प्राइस ज़्यादा होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।